मोबाइल के अंदर फोटोज या वीडियोज को छुपाने के लिए हम लोग कोई ना कोई ट्रिक लगाते हैं या दोस्तों या हम लोग किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करते हैं जिससे हम लोग अपनी वीडियोस को हाइड कर सकते हैं जो कि हमारे गैलरी में या कहीं पर भी रखी हुई है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कैसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप अपने जिस ऐप से वीडियोस को देखते हो उसी के द्वारा आप अपने वीडियोस को आसानी से हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों आप सभी लोग MX Player के बारे में अच्छे से जानते होंगे और यूज भी करते होंगे। दोस्तों वीडियोस को देखने के लिए हम लोग MX Player का यूज करते हैं। दोस्तों चलिए चलते अपने मोबाइल पर और देखते हैं कि कैसे MX Player के द्वारा हम अपने वीडियोस को हाइड कर सकते हैं। सबसे पहले इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्राइवेट फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर जाएंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे जिस भी वीडियो को आप छुपाना चाहते हैं। तभी मैं कैमरे वाली वीडियोस को छुपाता हूँ। अभी मैंने ये वीडियो शूट किया, इसको क्लिक करने के बाद ऐड नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे पिन मांग रहा है तो आप जो भी पिन देना चाहें वो दे सकते हैं, 1 2 3 4 और फिर कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसके बाद ईमेल आईडी अपनी दे देंगे, कोई भी ईमेल आईडी जो भी आपके पास ईमेल आईडी हो। उसके बाद कंटिन्यू पे कर देंगे। उसके बाद आपकी वीडियो जो है वह छुप गया। अब आप देख सकते हैं कि कैमरे में जाएंगे आपके पास केवल 2 वीडियो दिख रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब भी वीडियो को देखना हो फिर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे प्राइवेट फोल्डर का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर जाने के बाद जो भी आपका पिन है वो पिन डालिएगा। पिन डालने के बाद आप वीडियो को यहीं से आसानी से प्ले कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करेंगे, ये अनलॉक वीडियो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिक्योरिटी ख़त्म करना, जैसे आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं प्राइवेट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये पिन मांग रहा है, लेकिन अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, इसके लिए उसके बाद हम मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स देखना होगा, कहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करेंगे। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स, उसके बाद जो भी आपके मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल होंगे उस पर सारे दिखने लगेंगे। MX Player पे क्लिक करेंगे। MX Player पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर डाटा दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे और इसमें क्लियर ऑल डाटा, फिर इसको ओके कर देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको अलाउ कर देंगे। फिर से वही 3 डॉट पे जाएंगे और 3 डॉट पे जाने के बाद अब प्राइवेट फोल्डर पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से सब कुछ रिस्टोर हो चुका होगा।